नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएसआई 22 दिसंबर 2017 में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? आंसर है आपका डॉक्टर राजीव कुमार। और जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, और जो करंट में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों आपको बता दूं, जो पहला क्वेश्चन है जो आज के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई थी, ये क्वेश्चन उसी में से आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अध्यक्ष, आंसर है आपका YC मोदी। ये क्वेश्चन भी मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो में से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत और थाईलैंड के बीच 2017 में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? आंसर है आपका मैत्री 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर है आपका मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी भाषा कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? आंसर है आपका 10 राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है आपका श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? आंसर है आपका उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? आंसर है आपका 7 राज्यों में विधान परिषद है। पहले विधान परिषद 6 राज्यों में थी, जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो 7 राज्यों में विधान परिषद हो गई, क्योंकि तेलंगाना में भी विधान परिषद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिनेत्र में कौन सा समाज है? आंसर है आपका दुग्गु समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आंसर है आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हिंदी से संबंधित है, ऊर्ध शब्द का विलोम शब्द, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपनी शब्द का विलोम शब्द ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या है। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल इंडियन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।